ये बताइए क्या क्लास थी आज हमारी? आज हमारे सर चार्जिंग सेक्शन की। एक मोबाइल पे बताया क्या? नहीं जी। दो पे बताया क्या? नहीं। कि सीपीयू वाइज बताया, हाल मॉडल के सीपीयू वाइज बताया सर, हाल मॉडल के। यस सर। तो कैसी रही देव सर के साथ? बहुत अच्छी रही सर। कैसी रही? बहुत अच्छा। अब ये बताइए मेरे को कि कितनी पीसीबी ट्रेस करी आपने यहाँ पर? ऑल स्टूडेंट ने लाइव चार्जिंग को किस किसने ट्रेस करा? हम सबने सर। किसने करा? हम सबने सर। सारी चीजें ट्रेस करी आपने सर? रिजल्ट मिला आपको? यस सर। वोल्टेज मिला आपको? यस सर। कहाँ से कहाँ जाता है मिला आपको? यस सर। अब ये बताइए मेरे को उनकी बाईपास को ओपन कर लेगा? सब करेंगे सर। यस सर। सब कर लेंगे? यस सर। सब कर लेंगे? यस सर। तो ये बताइए मेरे को कि अभी जो क्लास का हमारा जो थ्योरी था, और थ्योरी के बाद अभी आपको पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल मिला? यस सर। पूर्ण रूप से मिला? यस सर। बैड सेंस क्या होता है? यस सर। हाई सेंस क्या होता है? यस सर। सेंस नेगेटिव क्या होता है? यस सर। सेंस पॉजिटिव क्या होता है? यस सर। पीटीएसटी क्या होता है? यस सर। स्विचिंग कहाँ पे होती है? यस सर। अगर कोई सा भी बोर्ड, अभी हमने कोई देखते बोर्ड निकाले क्या? अभी आपने कितने बोर्ड निकाले? बहुत सारे सर। पुराने से पुराना नहीं निकाला, लेटेस्ट से लेटेस्ट ही निकाला। तो डीप में जाके आपने चेक किया कि नहीं किया? यस सर। चेक किया? यस सर। सबको रिजल्ट मिले? यस सर। एसी क्या होना चाहिए? यस सर। अभी कोई चार्जिंग का पॉइंट आया तो डिटेक्शन कर सकते हैं आप? बिल्कुल सर। तो डीएमडीपी से फॉल्ट हो सब हो जाएगा? यस सर। आप कर सकते हैं ना? यस सर। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आपसे। हाँ सर। बताइए क्या क्लास किया हमारी? हाँ सर, मेरा नाम दीपक है, मैं यूपी से हूँ, और आज हमारी सर चार्जिंग सेक्शन की क्लास थी। और सर ने हमें, देव सर ने हमें मतलब बहुत डीपली ऑल फोन्स के जस्ट मिनट यार, ऑल फोन जितने भी मतलब मॉडल के फ़ोन होते हैं, किसी भी मॉडल के फ़ोन में हम मतलब चार्जिंग की सप्लाई को ट्रेस कर सकते हैं, और ट्रेस करने के बाद फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब चार्जिंग से रिलेटेड किसी भी मॉडल के किसी भी फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। अच्छा, तो शुरू से लेके एंड तक अगर मैं बात करूं वीबस से लेके चार्जिंग आपकी बनती है, चार्जिंग आउट होती है, कैसे आउट होती है, कब वहां पे स्विचिंग होती है, कब बूटिंग होती है, जी जी जी, सारी चीज का नॉलेज आपके पास? यस सर। खाली एक बोर्ड पे आपने काम किया अभी? सारी क्लास में आपने एक एक करके सारे के सारे बोर्ड ट्रेस करे ना? हाँ सर। मॉडल नया हो, पुराना हो, लेटेस्ट हो, कौन सा भी हो जी, जो टेक्निक है वो मतलब उसको हम किसी भी फोन पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब किसी भी कंपनी के किसी भी मॉडल पर हम उसको अप्लाई करेंगे जो सर ने बताया, उसी तरीके से हम ट्रेस कर पाएंगे। तो उसमें पर्टिकुलर मॉडल के साथ ही हम मतलब उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का कोई भी फोन हो फाइंड आउट करके उसको। क्योंकि हमने नॉलेज यहाँ पर मॉडल वाइज नहीं लिया, सीपीयू वाइज हमने मतलब जो भी है चार्जिंग सेक्शन की जो भी चार्जिंग सेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप मल्टीमीटर से ये ट्रेस करके बता सकते हो दुनिया का? सर मेरे को कोई सी किसी भी देखे तो मैं चार्जिंग आईसी कौन सी बता दूंगा? हाँ जी सर, बिल्कुल बता दूँ। है नॉलेज आपके पास? बिल्कुल सर है। चलिए सर, एक और स्टूडेंट है मोहम्मद फरमान सर, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। हाँ जी भाई। जी सर बताइए जी, आज हमारा जो है चार्जिंग सेक्शन की क्लास थी देव सर के साथ जी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आईसी के हर एक पैड की जानकारी दी, क्या क्या सिस्टम होता है, कैसे कैसे होता है, ये निकाल से आता है, वोल्टेज कैसे बनते हैं, सब उन्होंने हमें बताया। ठीक है सर, तो अब बहुत बढ़िया से सब कर लेते हैं, ट्रेस कर लेते हैं, और कोई फॉल्ट चार्जिंग से रिलेटेड जैसे फेक चार्जिंग हो गया, चार्जिंग एरर हो गया कुछ भी, या चार्जिंग चार्जिंग स्टोर नहीं हो रही है सर? सब हो जाएगा। नो चार्ज आ रहा है तो प्राप्त हो तो आप कर लोगे? वो भी हो जाएगा सर। चार्जिंग का एरर आ रहा है वो भी हो जाएगा सर, सब हो जाएगा। अच्छा, ये मान के बताइए मेरे को डिवाइडर सर्किट किस किस का क्लियर है भाई? सबका सर। सबका? चलिए तो पीछे दीजिए। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जी सर, मोहम्मद सलीम पॉइंट कश्मीर। हाँ जी सर बताइए। जी सर, आज हमारी क्लास देव सर के साथ ही चार्जिंग का सेक्शन था जी। वो इतना सोचा भी नहीं था कि इतनी डिटेल में मतलब इतना कंटेंट मिलेगा चार्जिंग के बारे में। बराबर जी सर, और उन्होंने इतने बारीक तरीके से समझाया कि अभी जब हम प्रैक्टिकल भी कर रहे थे तो आप पूछ रहे थे, मैंने तो आँखें बंद करके रखी थी कि वहाँ का जो उन्होंने सब बोर्ड पे बनाया था वहाँ से देख के आपको बता रहा था अभी प्रेजेंट टाइम में भी। और हाँ सर, फिर जब हमने ट्रेसिंग की, ट्रेसिंग मैंने विद इन नो टाइम की, फिर तीन फोन पड़े थे, दो में मैंने बाईपास की और एक की चार्जिंग आईसी खराब थी, उसकी चार्जिंग आईसी भी चेंज कर दी सर। रिजल्ट मिला जी सर, तीनों फोन चल रहे हैं। अच्छा, जो अपन को यहाँ नॉलेज मिला है वो हमारे प्रैक्टिकल में जब आप बोर्ड पे काम कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा छप रहा है कि नहीं छप रहा है? छप रहा है ना बराबर, पूरा का पूरा। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई किताब वाला ज्ञान ही मिल रहा है आपको या फिर वो हवा वाला ज्ञान मिल रहा है? ऐसा तो नहीं है सर, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि जितना जितनी नॉलेज मिल रही है, जितनी डिटेल मिल रही है, और जितने आप जीरो लेवल से
हाई लेवल तक समझाते हैं, नहीं लगता सर कहीं और सीखना। थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मेरा नाम सोनम, महाराष्ट्र से। हाँ जी सोनम, बताइए। आज हमारी चार्जिंग सेक्शन की क्लास थी देव सर के साथ जी। क्लास में यूएसबी से आने वाले सप्लाई, सीपीयू के प्रोटोकॉल सब इस बारे में जानकारी दी है, डाटा कैसे पढ़ी जाती है ठीक। और जो चार्जिंग के बनने वाले सप्लाई ऑल सप्लाई मान लो अपना 1 वोल्टेज हो गया, 4 वोल्टेज हो गया, उसके बाद 4 वोल्ट कैसा बनता है, 1.8 कैसा बनता है, सब एक वोल्टेज का डिटेल से जानकारी दी है। तो चार्जिंग को सीपीयू तक लेके गए आपके? हाँ गया, ट्रेस किया सीपीयू तक, ट्रेस किया। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, पीछे जी। हेलो सर, मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। हाँ जी अनुज, बताइए। आज देव सर का क्लास था चार्जिंग सेक्शन का। हाँ। उन्होंने बहुत डीपली समझाया है कौन सी आईसी को बाईपास करना है, और चाहे वो 9 वॉल हो या फिर 12 वॉल हो, वो भी आईसी को बाईपास करना है, या चार्जिंग जो एरर आते हैं ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या है प्लस माइनस का वोल्टेज जानते हैं, 5 वोल्ट